सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक से संबंधित मामले के विचाराधीन रहने के दौरान पति पत्नी के अस्थायी रूप से मिलने का कथित क्रूरता के आधार पर शादी को समाप्त करने के दायर मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैवाहिक अपील के मामले में हाईकोर्ट के समक्ष एक मामला यह उठाया गया कि पारिवारिक अदालत के समक्ष चल रही एक सुनवाई में पति पत्नी लोक अदालत द्वारा मामला सुलझाए जाने के बाद कुछ माह तक एक साथ रहे और इसलिए दोनों के दोबारा मिलने को देखते हुए पति को इस मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके व्यवहार से पता चलता है कि उसने कथित क्रूरता को माफ कर दिया है। न्यायमूर्ति एएम शफीक और न्यायमूर्ति टीबी अनिल कुमार ने कहा कि कथित माफी तभी इस प्रक्रिया को रोक सकता है अगर शिकायतकर्ता पति पत्नी सामान्य जीवन जीना शुरू कर देते हैं और उनके इस जीवन पर आक्रामक पक्ष का कोई प्रभाव नहीं रहता है और ऐसा लगे कि जिसके साथ क्रूरता हुई है उसने क्रूरता करने वाले को माफ कर दिया है और उसे पुरानी वाली स्थिति दे दी है। अदालत ने कहा, दोनों का दोबारा मिलना अस्थायी था और वे सामान्य और सामंजस्य का जीवन नहीं जी पाए। अदालत ने आगे कहा कि क्रूरता की किसी कार्रवाई को अगर माफ कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से यह दोबारा शुरू हो सकती है और शादी को समाप्त किए जाने की जरूरत दोबारा उठ सकती है। अदालत ने कहा, क्रूरता को माफ करना जिस पक्ष के खिलाफ अपराध हुआ है उसका सदाचारण और उदार कार्य है, जिसमें अपराध करने वाले पक्ष के गलत कार्यों को माफ कर दिया जाता है और उसे दोबारा पुरानी स्थिति में दे दी जाती है। इस तरह के माफी में एक अंतर्निहित शर्त होती है कि जिस पक्ष को माफी दी गई है वह वैवाहिक संबंधों में दोबारा इस तरह का कार्य नहीं करेगा। कोई भी गलती माफ कर दिए जाने से समाप्त नहीं हो जाती है, वह सिर्फ शिथिल हो जाती है। एक बार जब किसी क्रूर कदम को माफ कर दिया जाता है तो इसके दोबारा सिर उठाने की पूरी आशंका होती है और फिर शादी को समाप्त करने की जरूरत पैदा हो जाती है, जब गलती करने वाला पक्ष माफी देने वाले पक्ष की उदारता का नाजायज फायदा उठाता है। अदालत ने डॉक्टर एन जी दस्ताने बनाम श्रीमती एस दसाने मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि लेकिन वैवाहिक अपराधों को माफ कर देने की तुलना संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की पूर्ण माफी से नहीं की जा सकती, जिसे जब एक बार दे देने के बाद सारा दोष समाप्त हो जाता है और इसके दोबारा होने की संभावना नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।